हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो जी, सबको हेलो। एक एक का नाम पढ़ना मुश्किल है यार। सबको मेरी तरफ से हेलो, गुड इवनिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दो तीन मिनट वेट करती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फिर रिपीट करना पड़ता है, मुश्किल होती है। दो तीन मिनट और रुको। हेलो जी, हाय। देखो पूरी कर दो, कर दो। फाइन डियर, फाइन। चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट, ठीक है? थोड़ा फिर ऐसे स्टार्टिंग फ्लावर से कर रही हूँ, ओके। थोड़ा स्पीड में करूंगी, तभी दो चार चीजें मैं आज कवर अप कर पाऊंगी। ये क्लास में एक और लूंगी, उसमें भी मैं आपको दिवाली से डेकोर क्या ही मैं बाद में और भी सिखाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट वीक एक और क्लास लूंगी, ग्रुप में बने रहना। चलिए पहले फ्लावर्स से बता रही हूँ। मोस्टली सभी लोगों को आते हैं फॉर्मिनेंट फ्लावर्स, ओके, लेकिन तब भी सीख लो, ठीक है? इसमें मेरे यो यूज में ला रही हूँ। अगर नहीं बनाने का मन होएगा तो मार्केट से जो रेडीमेड फ्लावर्स मिलते हैं, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो रेडीमेड फ्लावर्स के साथ कर लेना, ओके। जरूरत नहीं है कि लाइक फॉर्मिलन से ही करना है आपने, आप रेडीमेड फ्लावर्स के साथ भी कर सकते हो। मैंने ये देखिए गोल्डन वायल ली है, साथ साथ में देखते रहना क्या क्या मैं मटेरियल, क्योंकि इस बार मैंने कोई भी मटेरियल लिस्ट वगैरह उसमें नहीं दिया है, तो आप लोग साथ साथ में देखते रहो, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, जो भी बना रही हो सब कुछ रेडीमेड आइटम्स हैं, ठीक है? सिर्फ फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, ओके। वायर ली है, बड़े वाला मैंने पर्ल लिया है, देखिए इस तरह से बस मैंने इसको रोटेट कर दिया थोड़ा टाइट से, ओके। अच्छा, और जो फ्लावर का शेप है मैं डाल दूंगी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? मैं बाद में डाल दूंगी, इस पेज में भी मैं डाल दूंगी, ओके। पेज में नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके, क्योंकि इसमें तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो भी लाइव है वही देख पाएंगे, ठीक है ना? ये देखिए ये शेप है इसका, कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हो। एक ही साइज यूज कर रही हूं मैं इसमें, एक ही साइज मैंने यूज किया है, वो मैं डाल दूंगी, ठीक है? और बाकी इसमें वैसे तीन साइज यूज किए मैंने, सॉरी दो साइज, ठीक है? छोटा बड़ा किया है। अभी मैं जब फ्लावर दिखाऊंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसको कोई आयरन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी बताना भूल गई, इसको कोई आयरन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट इसको ऊपर हल्का सा ऐसे करना और इसको हल्का सा इसको दबा देना, प्रेस कर देना, ये देखो, इसको कोई आयरन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जल्दी वाला काम करना है बस, कोई इतना वो नहीं कि अगर कोई किसी ने ऑर्डर में भी इसको देना हो तो वो जल्दी से बना सकता है, ठीक है ना? देखो बस, कोई आयरन वायरन का कोई चक्कर मत डालना, क्योंकि अगर किसी ने सेल वेल भी करना है आगे से तो लाइक उनके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ, नीचे की तरफ लगा लेना। एक सेकेंड, ग्लू गन तो शुरू हुआ। ये देखो,
पर्ल के ऊपर ही मैं लगा रही हूँ, देखते जाना ध्यान से। आप लोगों के मैसेज शो नहीं हो रहे, कोई हाई लिखना एक मिनट। नहीं आ रहा इसमें, ठीक है, ओके। थैंक यू डिया, थैंक यू मीना जी, थैंक यू निवेदिता। ये देखिए चार पेटल लगाए, ठीक है। उसके बाद मैंने डार्क कलर लिया है, देखो हेलो जया जी, ये देखिए उसके बाद मैंने डार्क कलर से शुरू कर रही हूं। बहुत इजी फ्लावर है, फॉर्मिरन का सबसे इजी फ्लावर बता रही हूं मैं आपको, जो जल्दी जल्दी में आप बना सकते हो। इवन आप तोरण वगैरह भी बनाओ तो उसमें भी यूज में लेकर आ सकते हो, बहुत इजी फ्लावर है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सबको गुड इवनिंग। वीना जी आपके सामने बना रही रेडी फ्लावर्स कहां से है? फॉर्मिनेंट फ्लावर बना रही हूं, ठीक है, फॉर्मिनेंट शीट्स के फ्लावर बना रही हूं, ठीक है। आप लोग रेडीमेड यूज कर सकते हो, आप लोग रेडीमेड ले सकते हो मार्केट से, लेकिन मैं आपको फॉर्मिनेंट के सिखा रही हूं, ओके। देखिए ये डार्क कलर लिया, अब इसके बाद जो व्हाइट कलर ले रही हूं ना, ये देखिए ये ऐसे रखा हुआ है ना हमने, इसको अब हमने उल्टी तरफ से ऐसे लगाना है। फॉर्मिनेंट शीट है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया अभी मैं बता दूं, ये फॉर्मिनेंट शीट है। अभी एक फ्लावर और सिखाऊंगी, पता लग जाएगा, ठीक है। देखो एक व्हाइट लगाया, एक ब्लू लगाया, एक व्हाइट एक ब्लू, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं छोटा ही रख रही हूँ, ठीक है। ये डन है फ्लावर। अब सैपल के लिए क्या करना है, ये देखो मैंने एक स्क्वायर पीस काटा हुआ है। वीना जी आपके पास फॉर्मिनन की शीट्स होएगी, ठीक है, बढ़िया है, आप उसमें से बना सकती हो, ठीक है ना, जो मैं सिखा रही हूँ आप उसमें से बना सकती हो। जिसके पास फॉर्मिनन शीट्स है वो बना सकता है। देखो मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये आप लोगों को जिसने भी ज्वाइन किया था सबको पता है ये वाला मेथड। ये देखिए इस तरह से निकल आया, ओके। ये फोम शीट्स ही है रेखा जी, फोम शीट्स ही है ये। इवन इसमें आप एक काम कर सकते हो, जो लोकल स्टेशनरी वाली फोम शीट्स है ना वो भी बना सकते हो, उससे भी ले सकते हो। देखिए
नीचे कोई टेप लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं नजर आएगा, इसलिए बस इतना ही आपने काम करना है। ये देखिए ये फ्लावर रेडी है। ओके, इसमें अब जो बड़ा करना होएगा, इसमें बड़ा पेटल भी कर रहे हैं तो वो बड़ा पेटल में बन जाएगा। मैंने कुछ रेडी करके रखे हुए हैं, मैं इसकी शेप दोनों आपको दे दूंगी। फ्लावर्स देना बेटा, मुझे एक फ्लावर और चाहिए मेरे को एक्चुअली में, मैंने दो फ्लावर आप लोगों के लिए रखे थे। 0.6 mm टू 0.8 mm, ये देखिए इस तरह के फ्लावर, छोटे बड़े सब साइज के। देखिए बड़ा वाला पेटल का, ठीक है, दो पेटल्स है, यही वाला पेटल लिए और इसके अलावा बड़े वाला पेटल लिए। इसका मैं आपको दोनों की शेप दे दूंगी। ओके, ये सब हमें चाहिए फ्लावर्स, इसलिए मैंने थोड़े बहुत प्रिपरेशन करके रखी थी पहले से। एक और मुझे चाहिए, मैं वो भी बना लूं, फिर हमारा काम ये वाला खत्म है। जो आपको लोकल स्टेशनरी से मिलेगा ना, जो जिसने अभी ज्वाइन किया, देख लो मैं क्या कर रही हूँ। ये वायर ली, इसमें मैंने ये देखिए इंसर्ट किया ये वाला पर्ल और इसको रोटेट किया। जो आपको लोकल स्टेशनरी से मिलेगी वो 0.10 mm से बड़ी ही मिलेगी, 1 point something ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। 1 mm ले सकते हो वो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना ना, इसको आयरन वगैरह नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने लिया, ठीक है, दोनों अपोजिट लगाए इसके। कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लेना, मैंने इस कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है, आप लोग जो मर्जी ले लेना। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, इजी फ्लावर है। ओके, एक मैंने अब इसको चेंज करने के लिए आपको देखो मैंने एक एक ऐसे करके लगाया, अब फिर बैक साइड में वैसा लगाऊंगी इसको इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उल्टा करके लगाना है। ज्यादा दम लगा दिया। चलिए कंप्लीट, बस जो मैं ये अब आपको बनाने सिखा रही हूं ना, आप इसमें बंधनवार भी बना सकते हो। अभी मैं बताऊंगी आपको, इसको आप बंधनवार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डोर हैंगिंग में भी कन्वर्ट कर, डोर हैंगिंग तो चलो है ही, साइड के आप ले सकते हो, इसको वॉल में लगा सकते हो, ठीक है ना।
वो आप अपने हिसाब से एंट्रेंस में लगा सकते हो, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वही चीज सिखा रही हूँ। मटेरियल किसी को चाहिए होएगा तो बाद में मेरे से व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, जिसको भी अगर दिवाली से रिलेटेड कोई भी मटेरियल होएगा, ठीक है ना, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी उसका। क्योंकि ये आपको अमेजोन वगैरह से तो नहीं लेना, आप इसका लिए तो वेंडर्स वगैरह ही बैठे हुए, 4-5 नंबर है मेरे पास जो होलसेल वाले बैठे हुए, ठीक है, आप लोग उन्हीं से ले सकते हो। अदरवाइज आपके एरिया में दिल्ली वाले सदर जा सकते हैं, मुंबई वालों का मुझे मालूम नहीं इतना, वो देख लेना। ये देखिए, चलिए इस तरीके के, ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। ओके, फ्लावर सेशन खत्म। कोई लीव्स नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए इसमें मुझको, डायरेक्ट बस हमें खाली फ्लावर्स लगाने हैं। ये रिंग्स मिलती है मार्केट में, ठीक है, ये इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, ये ऐसे ही मिलता है, नहीं चाहिए ऐसे नहीं लगाना तो पाइप ले सकते हो, पाइप को गोल कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसके ऊपर कोई भी गोटा पट्टी वगैरह बाजार से लेकर वो लगा सकते हो। ओके, वरना वायर जो आजकल वायर वगैरह भी जो हार्डवेयर से मिलती है वो वाली वायर भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ी पतली हो जाएगी, वो ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने एक बड़ा एक छोटा साइज लेना है। ये देखिए, बड़ा ऊपर रखा, छोटा ये नीचे रखा, गोल्डन वायर का बहुत काम है इसमें, खाली चिपकाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको चिपकाया भी मैंने और इसके साथ मैं बांध भी रही हूँ, जो काम करना है वो पक्का करना है। अगर आप लोगों में से किसी ने सेल वाला काम कर रहे हो जो लोग, ठीक है ना, इसलिए जो भी करोगे आप अपना पक्का काम करके देना, ताकि खराब ना हो पाए, निकले ना, क्योंकि ये चीज़ें बार बार क्या बाद में भी यूज़ में आ जाती है। तरह से हो गया, इस तरह से रिंग्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे ही मिलेगा उसी से रिंग मिल जाएगा आप लोगों को। दोनों जगह पे चिपका दिया मैंने, सेंटर में ही, फिर सेम वायर ली, इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं, छोटा साइज का आपने लेना है, ठीक है। ये देखिए, अंदर इस पर टी लाइट लाने के लिए ये हमारा नीचे हैंग होएगा, इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले ऊपर का काम कंप्लीट करके फिर मैं नीचे इसमें बताती हूँ आपको, ठीक है, इसको बाद में हैंग करती हैं, पहले ऊपर का काम सारा कंप्लीट करवा देती हूँ।
फ्लास नहीं बनाने हैं तो मार्केट से रेडीमेड फ्लास ले सकते हो, जो आर्टिफिशियल वाले फ्लास मिलते हैं, ठीक है। रोज फ्लार ले सकते हो, कोई भी ऐसे फ्लार ले लो, इस जगह पे वो वाले फ्लास लगा लेना। थैंक यू डियर। कार्डबोर्ड दे मुझे, नीचे वो है ना वो, उसमें से MDF का बोर्ड, MDF बोर्ड, नीचे पेपर है ना वो चिपक रहा है। हाँ दे दो, एक दे दो। चलिए ठीक है, ये लगा दिया। इसके साथ थोड़ी बहुत ये मार्केट से ही मैंने लीव्स नहीं बनाई है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ना ये वाली भी अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारा हमने अपने हाथ से जो बनाया हो। ओके, इस टाइप की जो रेडीमेड लीव्स होती है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए। बस अब मेन चीज है हमारी इसमें ये लोन। मोस्टली सामान देखिए बना बनाया आप लोग, अगर इस तरीके से बना सकते हैं अपने आप तो कर सकते हो। ओके, हाय रिचि, देखिए इस तरह से रेडीमेड आते हैं, मोस्टली सब कुछ होलसेल वाला ही है, ठीक है ना। आप लोग उन्हें अगर जैसे आगे बहुत सारा बनाना है ले सकते हो, अदरवाइज अपनी स्ट्रिंग्स रेडी कर लेना, जो भी ये लटकन वगैरह वो अपनी रेडी कर सकते हो। ये मुझको यहाँ पर लगानी है अच्छी खासी, ये 3-4 इकट्ठी करूँगी मैं। देखिए
सारा वायर का ही काम है। जो बना रहे हो ना पूरे उसमें कहीं पर भी ढूंढ लेना, कहीं पर डिजाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है ना मेरी आदत है, ना ही मैं इधर उधर से वो करती हूँ। जो आइडियाज है वो अपने आइडियाज है। अभी कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लग जाएगा। पोलेंस ले रही हूं मैं, ये देखिए। ओके, ये पर्ल स्ट्रिंग सबको पता है इसका। नहीं हो तो फिर अपने वही जो मैंने वायर से सिखाए हुए कितनी बार, ठीक है, वो वाले बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये कठपुतलियाँ मिलती हैं मार्केट में। ओके, ये हम लोगों ने इसको ये देखिए। ओके, पूर्वी जय जी, ये वाला पर्ल स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल समीता, श्रिंग प्रिंग से बनाओ, फ्लावर जोन से मजी लो,
ठीक है जिया जी, ये पर्ल स्ट्रिंग मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है, आईक्राफ्ट वाली के पास भी है, ओके, आई थिंक सो 10 मीटर शायद 150 रुपये का ऐसी समथिंग कुछ इसका प्राइस है, ठीक है, ये ले सकते हो। अदरवाइज ये नहीं भी लेना तो मैंने आप लोगों को वायर में डाल के कितनी बार सिखाया हुआ है, आप वो वाला बनाइए, वो वाला लगाइए, ये नहीं बाय करना अगर आपने तो, ओके। फ्लावर्स तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी फ्लावर कर सकती हो, ठीक है ना, टाइम के ऊपर है, टाइम है तो बनाओ, नहीं टाइम तो मत बनाओ। सविता जी मैंने बोला है कि जो भी ये सामान बेचते हैं ना, जितना भी दिवाली का सामान है उन्हीं से मिल जाएगा आपको। इस टाइम पे पूरे मार्केट में ये सब चीज़ें आई हुई है, लेटेस्ट जो चीज़ मार्केट में चल रही है मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिससे दिवाली का मटेरियल लोगे सबके पास ये अवेलेबल है, ठीक है। इसमें लटकाना है, नीचे वाले में नहीं लटकाना कुछ भी, एक जगह पे ही लटकानी है, नीचे वाले में नहीं लगाना। मैं नंबर दे दूंगी आप लोगों को व्हाट्सएप पे, जिसने भी लेना होगा सामान ले लेना वहां से। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा, स्ट्रिंग्स रह गई हैं। आप अपने एंट्रेंस पे लगाइए इसको, कितना सुंदर लगेगा, ठीक है ना। और जो ये चीज़ बना रही हूँ इसको डबल कर दीजिए, ठीक है, सेम यही चीज़ को डबल कर दीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट बंधनवार बनेगा, ठीक है। अभी बताती हूँ कैसे बनेगा, वो भी मैं मेथड बता देती हूँ। अभी तक ऐसा देखिए कहीं पर भी डिज़ाइन नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट बंधनवार। ओके, ये कंप्लीट सारा,
अब आ जाइए इसके ऊपर, ठीक है। पहले मैं इसको डेकोरेट करूंगी, देन मैं इसके ऊपर हैंग करूंगी। अब इसको पहले देखो कैसे डेकोरेट करना है। सेम कलर कॉम्बिनेशन का ही लेना सारा सामान जो भी लोगे। दो फ्लावर्स मैंने इसके लिए रखे थे और एक फ्लावर और था, ओके ये फ्लावर ये देना। ये सब देखिए रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट में। किसी भी फ्लावर वाली शॉप पे जाना, उसको बोलना फिलर्स दे दो, इस टाइप के फिलर्स मिलते हैं मार्केट में, इजली मिलते हैं, ठीक है। किसी से भी, जिससे भी आप फ्लावर्स वगैरह बाय करते हो ना, उसके पास जाकर आप इस तरह का सामान ले सकते हो। नहीं लेना तो मत लगाओ, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ऐसा लगाना है जैसे मैंने किया है। आप लोगों ने एग्जैक्टली वही करना है, इसको अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हो, ओके। और इसको फ्रंट का नीतल, मैं आप लोगों को नंबर सेंड कर दूंगी। मैंने बोला है आपको क्लास के बाद मैं आप लोगों को नंबर सेंड कर दूंगी। मेरे पास 4-5 वेंडर्स के हैं, ओके, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। जितना सामान यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को उसी वेंडर का नंबर सेंड कर दूंगी, आप लोग वहीं से बाय कर लेना। मैंने खुद ऑनलाइन मंगवाया है, बल्कि हमारे यहाँ पर तो इतना सस्ता मिलता है सब कुछ, लेकिन मैंने, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने नहीं मंगवाया, ओके। गलती कर दी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको थोड़ा सा ठीक से लगाना, क्योंकि खुलने वाला है ना, मैंने इसको थोड़ा सा गलती होगी, ये नीचे से ध्यान से लगाना, सॉरी यार, हमने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लगाना है।
किसी भी इस तरह से एक लीव कुछ ऐसे दबा दोगे ना तो वो चिपक जाएगा। मैंने अंदर की तरफ से लगाया है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से लाइट्स आती है, ठीक है, सभी को मालूम है। इस तरह से जो भी फैंसी लाइट्स होगी वो आप अंदर की तरफ इधर, ओके, इस तरह से आपने अंदर की तरफ, ये देखिए ये आपने अंदर लगाना है इसको। इस तरह से लाइट भी लगा सकते हो, वरना वो दिया जो आता है, आप दिया मैं नहीं इसको लाइक करूंगी क्योंकि बार बार कैंडल लगाना मुश्किल होएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये लगा सकते हो, अदरवाइज मैं पूरे इसमें वो लगा ही रही हूँ। इस तरह से देखो ये वाली लाइट सबको मालूम है, इस वाली लाइट्स का सबको मालूम है, ये वाली लाइट पूरी लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं इसको। एक तो ये है तरीका, इसके बीच में ये रखो, एक आप गणपति भी लगा सकते हो बीच में, गणपति जी भी रख के आप इसको ऊपर की तरफ से हैंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे एंट्रेंस में आपने रखने हैं, आप इसमें गणेश जी अंदर की तरफ रख के आगे दिया रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपकी अपनी वो है कि आपने इसको किस तरीके से रखना है, ओके डियर। अगर आपने एंट्रेंस में ऐसे रखना है तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ओके। इसको हटाती हूँ साइड में, अब इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये हमारा फ्रंट है, ओके, इसको मुझे इसके साथ लगाना है। पहले मैं इसको वही वायर से ही पहले मैं हैंग करूँगी, थैंक यू वीना जी। ये बहुत सुंदर लगेगा, ये अगर आप इसको तोरण में भी बनाओगे ये उसमें भी बहुत सुंदर लगेगा, और सिंगल सिंगल भी लगाओगे, एंट्रेंस में लगाओगे तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने दरवाजों के आसपास भी लगाओगे, इवन सिंगल पीस भी लगाओगे, अगर नेम प्लेट के आसपास भी लगाओगे तब भी सुंदर लगेगा। ये तो बड़ा पीस बड़ा है, इसको हैंग करके अभी तो पूर्वी कल मुझे गुस्सा करेगी, फोटो कैसे खींचूंगी इसकी उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है तो लाइक उसका शूट आउट करने में बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, कहती मम्मा इतना बड़ा बड़ा क्यों बनाती हो, मेरा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। क्या रह गया था, ओके, मेरा एक फ्लावर, मैंने इसलिए हैंग नहीं करवाया था क्योंकि जब हम इधर ये करेंगे तो इधर हैंग करने में ना वैसे भी कुछ इतना पता नहीं लगेगा, तभी मैंने इस जगह पे हैंग नहीं करवाया, ठीक है। तो ये आ गया, इसके साथ फिर वही थोड़ी सी लीव्स लगा दीजिए, मैंने इसलिए कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा डिफरेंट लिया, मैंने वहाँ वही रेड वही सब देख देख कर भी बोर हो गए हैं, चलो थोड़ा चेंज करते हैं इस बार, मैंने इतने टाइम से वही रेड चल रहा है वही सब चल रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी इसी हिसाब से मैंने चेंज करवाया। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, ये देखिए ये अब इसका, अभी मैं कैमरे को थोड़ा सा निकाल के ना फिर मैं आपको पूरा पीस दिखाती हूँ, रुकिए। इसके साथ अब इसको ले सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिए बताइए। अच्छा, अब इसको हैंग कैसे करना है, ऊपर वही हमें चेन बनाएंगे हम, ठीक है ना, एक सेकेंड, वायर के बीच में डाल के वो स्ट्रिंग में, ठीक है ना, इसको हैंगिंग के लिए मोती का ही बनाती हूँ, वो अच्छा लगेगा देखने में। एक ऊपर लंबा ले लेते हैं इसको, इस तरह देखते हैं, ओके, नहीं रहेगा,
लाइव बने रहो, तीन चार चीजें सिखा रही हूँ, लाइव बने रहो, आराम से देखो, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, आराम से बना सकती हो यार समीता, इतना कुछ बना चुकी हो, वीडियो का क्या करना है, सेव करके। देखो इसका ऊपर का स्ट्रिंग भी थोड़ा सा मैं अच्छा बना रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से वायर निकाल दी मैंने, सीधा है ना, देखिए मैंने ये वायर ले ली, इसमें मैं मोती डाल रही हूँ, पर्ल्स डाल रही हूँ इसके बीच में, एक गोल्डन भी इधर बेटा, एक गोल्डन वाला देना, ये रहा इधर, ये रहा गोल्डन, गोल्डन वाला दे, ये रहा गोल्डन, हाँ मोती 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 गोल्डन, ये रहा बच्चे, लास्ट में देखूंगी वीडियो के बारे में बाद में, ये डिसाइड मेरी बेटी करेगी, मैं नहीं करूंगी यार प्लीज, ठीक है। चलिए एक गोल्डन और एक मैं व्हाइट वाला डाल रही हूँ। थैंक यू डिया, थैंक यू रेखा जी, अभी देखना कल कॉपी कैसे होएगा, अभी ये डालते सारी देखना इसको कैसे लोग कॉपी करके कैसे निकालेंगे, तभी तो मैं डिजाइन नहीं दे रही थी, इसलिए तो आप लोगों ने जब बोला मैंने क्यों नहीं डिजाइन दिया, कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं दे सकते यार, उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट डे ही कॉपी कैट जितने बैठे हुए हैं, ठीक है करो, हम लोग तो कहते हैं करो यार बनाओ, इसमें कौन सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्लास से पहले ही फिर चीजें ऐसे गायब होने लग जाए वो मजा नहीं है ना। थैंक यू डिम्पी, अब तो हैबिट पड़ गई है यार, ये देखिए ठीक है, इस तरह से एक ऊपर आपके कील में आराम से आ जाएगा, आप लोग वो अपने हिसाब से ले सकते हो जैसे भी है, मैंने ऐसे ही अभी आपको जल्दी में बता दिया है, ये देखिए ये मैंने इस तरह से इसको नॉट बांध दिया ऊपर, ताकि ऊपर से भी देखने में सुंदर लगे, ठीक है। ये देखिए पक्का काम है, कुछ भी नहीं निकलेगा नहीं, तभी मैंने सारा वायर में लिया, ये हमारा कंप्लीट, ओके ये हमारा पूरा पीस कंप्लीट है, ये देखिए एक बार मैं कैमरे में पूर्वी को बोलती हूँ, वो दिखा देगी इसमें लाइट लगाकर, लाइट को कैसे करना है, ये देखो ये पूरा इसको कहीं पर भी घुमा देना, इसको अंदर से इसी के अंदर रख देती हूँ अभी मैं, थोड़ा सा बताने के लिए कैसा लुक आएगा उसका, अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, इसको वो आप लोग ये इतना तो काम कर लोगे अपने आप, इसको कैसे भी घुमाना है, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दबाजी में, पूर्वी एक मिनट इसका थोड़ा सा दिखा दो उनको, सबको है ना, इसको थोड़ा सा एक बार पूरा इसका लुक दिखा दो, है ना, ऐसे रखो। चलिए मैं एक बार इसको कैमरे को हटा के मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसा लुक आएगा इसका पूरे का, ठीक है। इसमें दिखा दो वॉल पे कैसे ऐसे ऊपर सामने रख के इसको कैमरे को हाथ में पकड़ लेना, ठीक है ना, ताकि एक बार थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। लाइट कौन सा, लाइट ऑन कर दो, ओके स्वीट, इसको पकड़ना, चलो देखो ये नीचे
ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ओके क्लियर है, अब आप लोगों को देखिए, लाइट के साथ कैसे लग रहा है देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे पिक्चर लेने में दिक्कत आ रही है, मॉर्निंग में मैं इसका थोड़ा अच्छा सा वीडियो आप लोगों को सेंड करूंगी, ओके ये आपका कंप्लीट है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, लाइट्स के साथ वैसे ही बड़ा अच्छा लगेगा जब ये लगवाएगा, तो इस टाइप की लाइट ही लेना, इसको बंद कर देना, मैं दूसरा, चलिए दूसरे में आते हैं। अब इसका मैं आपको आइडिया बता देती हूँ क्या कर सकती हो, देखो एक मैं आपको चीज बता देती हूँ, देखो ये आपने एक पीस बनाया, हमने इसको दरवाजों के लाइक एंट्रेंस में दोनों साइड में दो पेयर बनाओ, दोनों साइड में आप लगाओ इसको, ठीक है ना, एंट्रेंस में दोनों साइड में लगाओ, बहुत सुंदर लगेगा। बीच में क्या कर सकती हो, ये बड़े वाले मोती लेना, पर्ल्स, ये वाले दिखाती हूँ आपको जो मैं ये यूज कर रही थी, ये देखिए ये वाले पर्ल्स लेना या ये वाले पर्ल्स लेना, जो भी लेना, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे करके तीन चार लाइंस डाल देना, बस और कुछ नहीं करना, तीन चार लाइंस डाल के दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये आपका बंधनवार रेडी हो जाएगा, बीच में कुछ मत करना, अपने आप में एक इतना यूनिक ये रेडी होएगा ना कि देखिए वो लड़ियाँ जो तैयार करवाते हैं ना बंधनवार की लड़ियाँ, दो तीन वाली, वो वाली लेना बस और कुछ नहीं, ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपका ये पूरा एक बंधनवार रेडी हो जाएगा, आपकी लटकन रेडी हो गई, इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए भी आप अपने किसी में भी लगा सकते हो, किसी भी रूम में, किसी दरवाजे के सेंटर में भी एक छोटा लगा लेना, बड़ा मत करना। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, इतना आइडिया तो मिल गया आपको, अब आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट में, पूरी इसकी लाइट बंद कर देना बेटा, आइए अब दूसरा हटा दो, बीच में लाइट इसके अंदर से, ये हमारे फ्लोटिंग है, ठीक है, ये फोम आती है फ्लोटिंग के लिए है, पानी में आप इसको अपने टेबल वगैरह के ऊपर रख के आप इसको फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग कैंडल बता रही हूँ जो आप फ्लोटिंग में यूज कर सकते हो, नहीं बनाना फ्लोटिंग में, इट्स ओके, मत बनाना इसको फ्लोट, नीचे का इसका फोम मत लेना, ये फोम वैसे तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा मार्केट में, ओके नहीं लेना, ठीक है, अगर आपने नहीं लेना तो इट्स ओके, मत इसको लो, अगर इसको लेना चाहते हो तो देन जो फोम वाली शॉप्स होती है ना, जिंदा से आप ये अपना सोफे का सामान वगैरह लेते हो उनके पास से फोम ले सकते हो, ठीक है, वो नॉर्मल फोम भी चल जाती है, दूसरी वाली जो आती है आप वो भी ले सकते हो, क्या चाहिए अंजू जी, परचेज करने के लिए, हाँ बेचो ना यार इसको, इसको सेल करो, आप लोग बनाओ सेल करो, इसमें क्या है, अपना देखो आपकी कितनी कॉस्टिंग आती है, आप उस हिसाब से इसको सेल आउट करो, जा रहा है इतना अच्छे रेट्स में जा रहा है मार्केट में, ठीक है ना, वो अब आपके उसके ऊपर है ना कि आपकी कैसी उनके साथ है, आप देखो अपने हिसाब से अपना रेट वगैरह लगा सकते हो, बिकने को तो 1000 रुपये में बिक जाएगा, बिकने को 800 रुपये में बिक जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से अपना लो, आपकी कितना टाइम लगता है आपको, आपका कितना कॉस्टिंग आ रहा है उसका डबल लो, बस हमेशा याद रखो क्राफ्टर्स, हमेशा याद रखो आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग जो आपने निकाली है ना वो अपनी मेहनत जरूर लो, उसको हमेशा डबल रखो, बिके ना बिके वो एक अलग मैटर है, आपको जबरदस्ती अपना सामान निकालना है वो एक अलग मैटर, लेकिन यार आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मुझे मालूम है इसकी कॉस्टिंग लोगों को बड़ी तकलीफ होती है खरीदने में, क्योंकि हैंडमेड है उसकी कदर बड़े कम लोग करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कदर करने वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लोग करते हैं वो लोग उसका रेट भी देते हैं, बेचोगे ऐसे लोगों को, जो लोग नहीं लेना चाहते ना लें, ठीक है ना। चलिए मैं फ्लोटिंग का बताती हूँ क्या करना है इसके लिए, देखिए ये मिरर इजीली मिल जाता है,
ठीक है, ये मैंने मिरर लिया और ये वही वाली चूड़ी, ये नहीं भी यूज करनी ना तो आप कोई अपनी बैंगल भी ले सकते हो पुरानी वाली, वो भी चल जाएगी। जितना काम मैंने इसमें सिखाया वो सब आप अपने घर में कुछ ऐसा सब मटेरियल पड़ा हो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। देखिए ये रेडी हो गया हमारा बेस, ठीक है। मिरर का साइज रिची, मिरर का साइज उसी हिसाब से लेना ना जिस हिसाब से आप अपना बेस लोगे। यार मैं तो अगर चलो बता भी देती हूँ इसको, लेकिन अभी बताती हूँ, स्केल देना बेटा स्केल देना। मैं इसका साइज बता देती हूँ आप लोगों को क्या है, आई थिंक 6 इंच होना चाहिए, एक मिनट बताती हूँ मैं। नीचे का बेस 6 इंच मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, नहीं सॉरी 4 इंच है, 4 इंच है ये वाला, ठीक है। और इसका ये है मिरर का साइज है 2.5, ठीक है। और ये हमारा नीचे 3 इंच है, देखो 4, 3, 2.5, छोटा छोटा होता गया ना तीनों, देखो ठीक है, उस हिसाब से ही लेना। ये मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे मिलते हैं, आप आराम से ले सकते हो। अब यही कठपुतलियों का मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ठीक है, ये देखो ये टी लाइट मार्केट में मिलती है, इजली मिलती है, इस टाइप से बेस मिलता है, ये बेस मिलता है, और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से बेस मिलता है, ये देखिए ये देखिए मेरा प्रॉपर मिरर है, प्रॉपर मिरर है यार। नीतल मैं एक्चुअली मैं दिवाली का काम भी करती हूँ ना, ठीक है ना, तो मैं ये जो भी काम करती हूँ ना, ठीक है, सेलिंग का जो भी मैं करती हूँ ये मैं प्रॉपर मिरर में करती हूँ। मैंने ये इकट्ठे ही सारे मिरर्स मैंने बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल पतला सा मिरर है, ठीक है। ये जो भी आपका फ्रेमिंग वाले होते हैं ना भैया, आप उन लोगों के पास जाइए जो ये फ्रेम्स करते हैं आपके ये पेंटिंग वगैरह, आप उनसे ये वाले सारे के सारे कटवा सकते हो, ओके। हार्डली 6, 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, आप तो रेट बढ़ गया होगा, मेरे पास तो लाइक मेरी अलमीरा भरी पड़ी है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। तो आई डोंट नो अब लेटेस्ट क्या रेट चल रहा है आजकल। ये देखिए कि इस तरह से ये आप इसके लिए, ठीक है, कैंडल के लिए, ये कैंडल के साथ का बना रही हूँ, वरना अदरवाइज आप वो दूसरा भी बना सकते हो, जो मैं बोली लाइट दिखाई थी आपको, आप उसके साथ का भी बना सकते हो। मैं रेडी रख रही हूँ, रेड अच्छा लग रहा है, ओके। इसको कैसे लगाना है ध्यान से देखना, इसको उठा रही हूं मैं, फिर इसके अंदर इसको लगाऊंगी, कहीं पता लगे उसकी ड्रेस के साथ चिपका दो तो वो नहीं चिपकेगा ठीक से। इसको इस तरीके से लगाना, अगर ऐसी कठपुतली लगाओगे तो उसको उठा के उसके कपड़ों को इस तरीके से लगाना ताकि वो ठीक से बैठ जाए, ठीक है। और इसके आगे क्या रखू, गोल्डन रखू, रेड रखू, अपनी जगह पे सारे ही अच्छा लग रहा है, गोल्डन ही रखती हूँ, ठीक है। देखा मैंने गोल्डन ही रखा, ठीक है, मुझे गोल्डन ही लगा सही।
मैंने बेस लिया है फ्लोटिंग, ये आता है फोम, फ्लोटिंग फोम आती है, फोम नॉर्मल फोम, सॉरी फ्लोटिंग फोम नहीं, ठीक है। आप मैंने बताया जो भी ये सोफा वगैरह जिनसे सामान मिलता है आप उनसे ये वाली फोम ले सकते हो, लेकिन वो आपकी थोड़ी रफली कट होएगी, ये रेडीमेड मार्केट से मिल जाता है। अगर ये किसी को लेना हो, ये मेरे पास भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ये मेरे पास भी बहुत स्टॉक में पड़ा हुआ है, मेरे पास इसमें बहुत सारी वैरायटीज पड़ी है, इस तरह का भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना बेशक। ये देखिए इस तरह से कैंडल लगेगी बीच में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पर्ल्स वगैरह या किसी भी चीज से आप इसको साइड से कवर अप कर सकते हो। जो चीज मैं ये सिखा रही हूं आप इसमें गणेश जी वगैरह भी लगाकर बना सकते हो, कुछ भी इस तरीके के। ठीक है, ये देखिए बस और कुछ नहीं करना, इस तरह से ये आपने सारा साइड में, ठीक है, इस तरह से पर्ल्स लगा देना है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना, बस ये हल्का हल्का ही रहने देना इसको। ये आप पेयर में रखना, इसको पेयर में बनाना, ठीक है। एक ये दोनों जैसे मैंने लिए हुए ना, इस तरह से जो भी लोगे आप पेयर में लेना ये वाले, और जो भी अपने घर पर जैसे आप लोग इसको सेंटर में आप रख रहे हो तो उसको पेयर में ही आप इसको फ्लोट करवाना, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। और एक चीज़ और, कभी भी मोती वगैरह लगाते हो ना, थोड़ा सा इसको जैसे इसमें ये होल होती है ना, होल को हमेशा छुपाने की कोशिश किया करो, फिनिशिंग लाने के लिए उसको सामने नजर ना आए वो। और जिसने इसको सेल करना है वो अपने कॉस्टिंग के हिसाब से पर्ल्स वगैरह सब अपना जो जैसे लगाना है, इस तरह से हल्का माल लगाओ जैसा मर्जी, ठीक है ना, आपकी कॉस्टिंग निकल के आ सके। मैं तो थोड़ा अच्छा बना रही हूँ, थोड़ा कॉस्टली में ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने हिसाब से जैसे लेना है, अगर सेलिंग के पर्पज से कर रहे हो तो।
अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, इसमें अगर आप लोगों ने ये वाला काम करना है ना पानी में डालने वाला, ग्लू गन से मत करना ये वाला, ठीक है। मैं तो अभी आप लोगों के सामने जल्दी वाला कर रही हूँ, ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको ग्लू गन से मत करना, क्योंकि पानी में रहता है ना तो ये क्या होता है जल्दी गलता है, और आप बेटर रहेगा कि आप इसको ये बी 6000 या फिर फेविक्विक ऐसा कुछ भी सामान जो, ठीक है ना, फेवी बॉन्ड इस तरह का जो भी आता है वो चीज़ों से इसको चिपकाना। चलिए इसको मैं बाद में बाकी देखती हूँ, थोड़ा सा इसका स्पेस हो रहा है, फ्रंट से ही हुआ। ये थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं जल्दी में अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ओके, समझ में आ गया सबको। ये देखिए इस तरह से आपका ये फ्लोट करेगा, ओके, अंदर नहीं जाएगा, अभी गीला है बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल भी ये वो नहीं होएगा। इसको थोड़ा सूखने देना, बहुत हैवी मत कर देना बस, ठीक है, बहुत हैवी हो जाएगा तो फिर अंदर जाने का डर होता है, अदरवाइज ये फ्लोट करता है, ओके। ये देखिए बहुत हैवी मत करना बस, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसको मैं बाद में ठीक करके आपको मैं इसका पिक डाल दूंगी, ओके। थोड़े पर्ल्स ज्यादा बड़े हो गए, ओके, ऐसा आप दोनों पीस ले सकते हो, कुछ भी बैठरी इसमें, कुछ भी बैटरी, ऐसे ही आप इसका पेयर देखो, इस तरह से आप पेयर बना सकते हो, ओके, सेम ऐसा इसका पेयर में ले लेना, ओके। ये मैं मोती इसके थोड़े छोटे लूंगी, ज्यादा बड़े मैंने ले लिए, सॉरी इसमें, ठीक है ना, इसको थोड़े छोटे लूंगी मैं इसको, एक तो इसके आ भी नहीं रहे, बहुत सुंदर बन के आएगा ये वाला पीस, अदरवाइज ये देखिए, आपको अच्छा लगा हो सबको, ओके, क्लियर सबको। एक चीज बस और बताती हूँ लास्ट, फिर एक नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ओके। एक चीज और बताती हूँ आपको, आपके सेंटर टेबल में रखने के लिए, ठीक है, आपके डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल में रखने के लिए, या फिर पूजा वाली, ग्लू गन कैसे लगाऊंगा, ग्लू गन कैसे ऑन होगा, नहीं तो ग्लू गन उसके बिना काम करना, अब उधर से ले लो, ग्लू गन के बिना काम, एक सेकंड रुकना यार, यार बैटरी थोड़ा लो हो गया है, एक सेकंड जरा, हाँ ठीक हो जाएगा उसमें, चल रहा ठीक, चलेगा कोई बात नहीं, तो मेरा ग्लू गन के बिना काम नहीं है ना बेटा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, इसका मैंने क्या करना है, देखिए मैंने ये रेजिन के बनाए हैं, आप लोग रेजिन के नहीं भी लेना चाहते तो मार्केट में ये सब कुछ आपको पता ही है मिल जाते हैं, अदरवाइज मोल्ड आया हुआ रेजिन का सभी को मालूम है, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये वाला मोल्ड आया हुआ है मार्केट में, आप वो वाला भी यूज कर सकते हो, ओके। और ये देखिए ये निकल के आया है उसमें से, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कुंदन का वर्क कर दिया है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग यूज में लेकर आ सकते हो, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है, ठीक है जी। आप अपने टेबल वगैरह के ऊपर भी इस तरह से दिया वगैरह लगा सकते हो, देखिए मैंने नीचे MDF का बेस लिया, उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर किया हुआ है, MDF का बेस है,
नॉर्मल एमडीएफ का बेस है, ठीक है, ये देखिए, ओके, उसके ऊपर गोल्डन कलर किया हुआ है और यही वाला रिंग लगा रही हूं उसके ऊपर, इसी रिंग को मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूं। ये वाला रिंग नहीं लगाना, तो कोई भी राउंड सर्कल में कोई भी चीज लगाकर उसके ऊपर गोटा पट्टी कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग, आपके पास घर पे कुछ भी ऐसा पड़ा हो वो वाला गोटा पट्टी वगैरह इसके ऊपर लगाकर आप काम कर सकते हो। ये देखिए, बाद में इसके पीछे भी गोल्डन कलर कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपने सेंटर टेबल वगैरह पे रखने के लिए बना रहे हैं। ओके, ये देखिए, मार्केट से ये वाले फ्लावर्स मिल जाते हैं इस तरह के, ये तो बल्कि सबसे ज्यादा मिलते हैं मार्केट में। ओके, मैं वही रेडीमेड वाले यूज कर रही हूं। काम करते यार रखना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये नहीं, अगर रेजिन का बनाना तो मार्केट में ये सब दिया वगैरह एमडीएफ में मिल रहा है, आप वो भी लगा सकते हो। ओके, इन दोनों को मैं नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगी, इसका जो बनना है, ठीक है, वो जो दरवाजे पे शुभ वगैरह शुभ लाभ जो है वो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आज का खाली इसी में, और एक एक लड़ी और है वो भी बड़ी जल्दी बनने वाला है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए, और इसके आगे ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर आएगा ये देखिए, ये आपने इसके ऊपर ये रखना है, ठीक है। इस तरह से कैंडल्स वगैरह इसके बीच में इंसर्ट कर सकते हो,
ये देखिए इस तरह से हमें तीनों में कैंडल्स आ जाएगी, वन ऑफ ही वो टी लाइट्स है, ये देना नीचे से कैंडल, वन ऑफ ही टी लाइट्स भी लगा सकते हो, वो अब आपके ऊपर है, वो दोनों में से कुछ भी ऐसा चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये वाला तीनों में है, आप इस तरीके से लगा सकते हो, मैं भी इसको बाद में इसको कर दूंगी। और थोड़ा बहुत इसमें रेडीमेड फ्लास्क का फ्लास्क लगा सकते हो, नहीं भी लगाने तो इस तरह के ये देखो इसमें ये दो दो इंसर्ट हो जाएंगे वाले मोती पर्स, कुछ भी आपके पास हो ऐसा फ्लास्क का काम करना है तो वो कर लो, वरना फिर बस और कुछ नहीं करना, सब में देखो इस तरह से दो दो हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से बस। ठीक है ये देखिए, अपने आप में ये पूरा का पूरा प्लेटर रेडी हो गया रखने के लिए। ओके ये आप जब अपने डाइनिंग सेंटर टेबल में जहां पर भी रखोगे देखिए कितना सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है फ्लास्क वगैरह अगर लगाने का मन हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लास्क का काम कर सकते हो, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है। ओके ये देखिए ये कर सकते हो, ये इस तरह के मुझे पसंद नहीं एक्चुअली, मैं पेपर्स वाले फ्लास्क ना मुझे पसंद नहीं, मैं इसलिए उसको लगाती नहीं हूँ। ठीक है ओके ये देखिए कैसा लगा, गणेश जी लगाने हैं ठीक है, नहीं लगाने हैं रहने दीजिए, खाली आप ये भी रख सकते हो, खाली इसी के से दिया लगाकर ये भी कर सकते हो, दिए की जगह पे शुभ भी रख सकते हो, ये भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, वो आपके ऊपर है, इस तरह से आप कुछ भी इसी के कर सकते हो राइट। चलिए अब एक लास्ट आ गया हमारा, अब एक चीज बता रही हूं लास्ट, बाकी थोड़ा सा शुभ लाभ वगैरह का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। देखिए इस तरह की लड़ी, ये देखिए इस तरह की मार्केट में इजली मिल रही है, ठीक है, जिससे आप ये मैं आपका ये नंबर वगैरह दूंगी वेंडर का, आप उनसे ले सकते हो। थोड़ा सा इसको पास पास कर देना, थोड़ा खुला ज़्यादा रखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है ना इस तरह से इसको, ये वाला भी ले सकते हो जो ये मैं सिखा रही हूँ व्हाइट वाला में, आप व्हाइट वाले की जगह पे जो आजकल वो गेंदे वाला चल रहा है ना आप वो भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें व्हाइट वाला लेना है, अपनी अपनी चॉइस है, कोई सा भी ले सकते हो, जो चीज सिखा रही हूँ वो दोनों में चल जाएगी। थैंक यू डियर। साइज एक्चुअली मैं अपने हिसाब से मैं थोड़ा इसको छोटा ही बना रही हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा ही पास कर दिया मैंने। हाँ ये पेपर का ही है, ये पेपर का ही होता है, ये एक्चुअली पेपर क्या है ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप का होता है यार, ये आप भी बना सकते हो अपने घर पे भी ये बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इवन आप ये अपने फॉर्मिरन के जो कतरने हैं ना उसको इकट्ठा कर करके आप उससे भी बना सकते हो, एक एक को मोड़ मोड़ के बस उसको फोल्ड कर करके अंदर डाला गया स्ट्रिंग के, बट वो ये ना कितना काम करोगे, सारा काम घर पे ही करोगे तो फिर थोड़ा बहुत बाजार वालों को भी मौका दो ना यार, वो तो पागल हो जाएंगे अगर सब कुछ ही हम अपने घर पे बनाने लग जाएंगे तो। दिवाली में तो सभी को कब आने का मौका देना चाहिए ना, ठीक है ना। चलिए ये देखिए ये रेडी है ओके, अब इसके नीचे क्या करना है मुझको, कुछ नहीं करना इसके ऊपर स्ट्रिंग में, कुछ नहीं करना, जो काम करना है हमने नीचे करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये वाला, दो मिनट लगेंगे बस।
ओपन करें, एक बेल पड़ी है बेल में, उसमें नीचे बेल देना, उसको ओपन करना, हाँ नीचे उधर मिरर, दे दो ये देखो, इस तरह की बेल्स आती है मार्केट में, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आपने कितनी बड़ी लेनी है, जोन सा साइज लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। इस तरह से बेल लेनी है आपने, नहीं रहेगा सेव, बस ये लास्ट है, खत्म हो रहे हैं, कहते तो मैं बंद कर देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी सबको, अगर लेट हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ये वाला छोड़ दूँ। ज्योति जी मैं बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करो, देखो कुछ भी नहीं करना, बस इसको चारों तरफ से बस आपने फ्लावर से ढकना है बस।
यस मैम, किस लिए लिख रही हो? करूँ अभी, बंद कर दूँ? किस लिए कह रही हो यार, मुझे बताओ एक मिनट जरा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ, नेक्स्ट क्लास में करूँ? चलिए चलिए ठीक है फिर, ठीक है इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते, चलो ओके ओके डन। इसके आगे का फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, थोड़ा सा ही रह गया ये वाला वैसे, ओके इसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाती हूँ। ओके डियर, आज का हमारा ये तीन हमारा ये हुआ, बाकी का वो वाला फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी, ये देखिए। चलिए ठीक है, और एक वो बड़ा है वो मैं अब दिखा नहीं सकती, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम। नेक्स्ट वीक में मैं एक सेशन लूँगी, बीच में लूँगी, वीकेंड्स में नहीं लूँगी, ओके बीच में किसी दिन भी एक दिन आकर फिर मैं आपका ये दो तीन और चीज़ें मैं सिखाती हूँ आपको, ओके। चलिए होप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है, बाकी वीडियो सेव है, ठीक है वीडियो सेव है, आराम से देख लेना, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में बने रहिएगा, यूट्यूब में वीडियो डाल रही हूँ उसमें सेव कर लीजिए, उसमें देख रही है आराम से, ठीक है उसी में ही अब आप देखना, ओके बाय डियर, बाय, आराम से देखते रहना वीडियो, बाय डियर, थैंक यू, बाय।